करते हैं हम आर की मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल, क्या मीनिंग है ये, ऐसे स्टेटमेंट प्रूफ भी आ जाती है एग्जाम में या स्टेटमेंट आ जाए तो प्रूफ आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसकी, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन, भी दो पॉजिटिव रियल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट एन एक्स इज ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाई हो जाए, ठीक है। ऐसा प्रूफ करना हम क्या करते हैं, कन्वर्सली कंट्राडक्ट सपोज कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, हमने ऐसा सपोज कर लिया बी ये जितने भी एन एक्स टाइप के नंबर हैं वो लेस देन और इक्वल हैं वाई के, ठीक है। एक ऐसा सेट कंसिडर कर लिया जिसके अंदर ये एन एक्स टाइप के नंबर हैं, एन बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, हमने एक्स को यदि वन लें, ठीक है, इधर वन पुट करें और एन वन हो ही सकता आपके पास, तो एक्स किस में जाएगा, और वैसे भी हम ये कह सकते हैं कि यदि एक्स वन है एक्स को क्या लिख सकते हो आप, वन डॉट एक्स भी लिख सकते हो, वन क्या है नेचुरल नंबर है, बी मीनिंग हर रियल नंबर को हम नेचुरल नंबर की डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स तो कम से कम एस में होगा, तो एस क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है एस आपका, ठीक है। इज बाउंडेड अबो सेट, बाउंडेड अबो कैसे है भाई, एस सेट के अंदर एन एक्स टाइप के नंबर है वो सारे के सारे वाई से लेस इक्वल है, ठीक है, वाई से लेस इक्वल है तो कैसा हो गया आपके पास, सेट के सारे एलिमेंट कौन से सेट के, एस सेट के, वो लेस देन इक्वल वाई है आपके पास, ठीक है। तो एस सेट कैसा हो गया आपके पास, बाउंडेड अबो सेट हो गया, ठीक है। तो एस इज यहाँ तो हमने प्रूफ किया था नॉन एम्प्टी है, इधर प्रूफ कर दिया क्या है आपके पास, ये बाउंडेड अबो सेट है, दस एस इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबो सेट। तो कम्प्लीटनेस ऑक्सियम क्या कहती है, बाय कम्प्लीटनेस ऑक्सियम एस मस्ट हैव ए लीस्ट अपर बाउंड, एस के पास क्या मिलेगा हमेशा एक लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा ना, उसको मान लिया वो एल है आपके पास, एन नेचुरल नंबर है, एन में यदि वन ऐड कर दो तो वो भी क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। तो एन प्लस वन इंटू एक्स टाइप के एलिमेंट किस में, एस में है, आपको हो गया भी एन इंटू एक्स टाइप के हैं, एन का मीनिंग इधर नेचुरल नंबर है, ठीक है, एन में वन ऐड कर दोगे तो वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, उसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, उस टाइप के एलिमेंट एस में है, ठीक है। बट आप क्या कहते हो कि एल इज़ द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस, एल क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का, इसका मीनिंग एल अपर बाउंड भी होगा, ठीक है। तो एन प्लस वन इंटू एक्स टाइप के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू एल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एन एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू एल माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, अभी एन एक्स टाइप के जो एलिमेंट हैं वो लेस देन इक्वल आ गए एल माइनस एक्स से, इसका क्या मीनिंग हो गया, भी एल माइनस एक्स क्या हो गया, एस सेट का अपर बाउंड हो गया ना। और आप इधर क्या कह रहे हो, एल लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का, ठीक है, एल लिस्ट अपर बाउंड है तो एल अपर बाउंड भी है, ठीक है। और इधर क्या कह रहे हो कि एल से छोटा भी कोई नंबर अपर बाउंड हो सकता है सेट एस का, कैसा पॉसिबल है, नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में, देखो आप इधर बताओगे, बट एल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस, एल क्या आपका लीस्ट अपर बाउंड है, और एल क्या रहेगा, लेस देन इक्वल रहेगा एल माइनस एक्स। यदि आप कह रहे हो कि एल माइनस एक्स क्या है, अपर बाउंड है, और एल क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है ना एल, और एल माइनस एक्स अपर बाउंड है, भी जितने भी सेट एस के अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा एल है। अब आपने प्रूफ किया था एल माइनस एक्स भी एस का अपर बाउंड है, तो एल में और एल माइनस एक्स में क्या रिलेशन आएगा, ये सबसे छोटा अपर बाउंड है और एल माइनस एक्स अपर बाउंड है सेट एस का, तो एल छोटा हो जाएगा इससे, और ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि किसी नंबर में से कुछ घटा दो वो अपने आप से छोटा थोड़ी ना हो जाएगा, विच इज ए कंट्राडक्शन। जो आपने सपोज किया था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एन एक्स टाइप के सारे एलिमेंट वाई से ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो वाई से ग्रेटर हो गए तो आपने तो क्या लिया था, हमेशा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा एन एक्स विच इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, फिर एक्स एंड वाई आर क्या हुआ आपके पास, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो इसी में एक कॉरोलरी ऐड कर दी इसने, किस टाइप की, देखो कि इफ एक्स इज पॉजिटिव, यदि आपका एक्स पॉजिटिव है तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन एक्स हो गया, जो पिछले वाली थ्योरम है उसी में कर दी ऐड,
एक्स को यदि आप क्या ले लो, वन पुट कर दो पिछली थ्योरम में, और वाई को क्या रख दें, एक्स पुट कर दें, क्योंकि पिछली में क्या था, एन एक्स ग्रेटर देन वाई था ना, एक्स को वन ले लोगे आप और वाई को एक्स पुट कर दोगे तो ऊपर वाला रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। जब आपसे इस कोरोलरी का प्रूफ पूछे तो आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ करोगे और उसमें रिप्लेस कर दोगे एक्स की जगह वन और वाई की जगह एक्स, तो एन इज ग्रेटर देन एक्स आ जाएगा। मीनिंग कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमेशा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो उस रियल नंबर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन सच दैट वन अपॉन एन विच इज वन अपॉन एन विच इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ भी हम यूज करेंगे। अब ये वाली जो कोरोलरी है फर्स्ट वाली, इसी में पुट कर दो एक्स की जगह वन बाय एप्सिलॉन। एक्स की जगह क्यों पुट करेंगे हम, आप कह रहे हो एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमेशा एक एन मिलेगा जो एक्स से बड़ा होगा। इधर हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, रियल नंबर भी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन पॉजिटिव तो वन अपॉन एप्सिलॉन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रियल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। मीनिंग एन इज ग्रेटर देन वन बाय एप्सिलॉन। ठीक है, एन ग्रेटर देन वन बाय एप्सिलॉन से रेसिप्रोकल लोगे तो विच इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, फिर एन इज ए नेचुरल नंबर, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम आती है, देखो वैसी ही है जैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। फॉर एनी रियल नंबर एक्स, हर रियल नंबर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर जेड, एक यूनिक इंटीजर जेड मिलेगा सच दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन जेड प्लस वन। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक सेट कंसिडर कर लिया एस, उसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट हैं जो एक्स से कैसे हैं, छोटे हैं, वो एलिमेंट इस साइड ये साइड उठा ली हमने, वो इंटीजर ले लिए जो एक्स से छोटे हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, एस कैसा सेट हो गया, नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबो बाय एक्स, किस से बाउंडेड अबो है, एक्स से। तो कंप्लीटनेस ऑक्सियम क्या कहती है, एस मस्ट हैव ए लिस्ट अपर बाउंड, वो लिस्ट अपर बाउंड हमने क्या ले लिया, से जेड है। ठीक है, एस क्या होगा सेट का लिस्ट, जेड क्या होगा, एस सेट का लिस्ट अपर बाउंड होएगा। ठीक है, जेड क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है एस का, और एक्स क्या है, अपर बाउंड है। जब जेड लिस्ट है और एक्स अपर है तो जेड क्या होएगा, लेस देन इक्वल होएगा एक्स से। तो देखो ये वाली कंडीशन तो होगी फॉलो, अब ये वाली बच गई, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज लेस देन जेड प्लस वन। इसके लिए क्या करें हम, कंट्राडक्ट सपोज कर लो। हमने क्या सपोज कर लिया कि लेट इफ पॉसिबल एक्स इज ग्रेटर इक्वल जेड प्लस वन, एक्स ग्रेटर इक्वल है जेड प्लस वन से, इसी को रीराइट कर लो। चाहे हम ये कह सकते हैं कि जेड प्लस वन क्या लेस देन इक्वल एक्स है। ठीक है, अब जेड प्लस वन लेस देन इक्वल एक्स है और क्या है ये, इंटीजर टाइप का एलिमेंट है, ये सारे किस में जाएंगे भी, कोई भी इंटीजर टाइप के एलिमेंट जो एक्स से छोटे हैं वो एस में जाएंगे। अब जेड प्लस वन विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो जेड प्लस वन कहाँ बिलोंग कर गया, एस में बिलोंग कर गया। ठीक है, जेड क्या आपका लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का। ठीक है, और जेड प्लस वन सेट का एलिमेंट है, इसका मीनिंग जेड प्लस वन जेड से छोटा होएगा, क्यों, लिस्ट अपर बाउंड है तो ये अपर बाउंड भी होगा, और ये कोई भी सेट का एलिमेंट दिखा रहे हो आप तो ये इससे छोटा होएगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि सेम नंबर है, एक में वन ऐड कर रखा और एक में कुछ भी ऐड नहीं है तो वो उससे छोटा होएगा, नहीं होएगा। तो जो आपने सपोज किया था दस एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जेड प्लस वन, क्या आ जाएगी, कंट्राडक्ट कर जाएगी कंडीशन। ठीक है, सॉरी ग्रेटर इक्वल जेड प्लस वन कंट्राडक्ट कर गई ये वाली कंडीशन, तो क्या बच गई, एक्स इज लेस देन होएगा जेड प्लस वन से। यहाँ क्या था, जेड ग्रेटर, जेड से ग्रेटर था, इक्वल था एक्स आपके पास, और यहाँ क्या है आपके पास है, जेड प्लस वन, सॉरी यहाँ एक्स इज लेस देन जेड प्लस वन, इन दोनों को कंबाइन करो, जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जेड प्लस वन, ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर क्या आपके पास है, बिटवीन टू डिस्टिंग रियल नंबर देर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर, भी कोई भी दो डिस्टिंग रियल नंबर है उनके बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर होंगे। अब आपने क्या ले लिया, एक्स एंड वाई क्या ले लिए, दो रियल नंबर ले लिए। अब दो रियल नंबर हैं तो कोई बड़ा छोटा तो ज़रूर होगा, हमने क्या ले लिया, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब यदि एक्स को इधर ले आए हम, वाई माइनस एक्स करें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास, और आर की मीडियन प्रॉपर्टी पढ़ी आपने भी, वाई माइनस एक्स क्या है, वाई माइनस एक्स और वन
पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया हमने, वाई माइनस एक्स तो अभी दिखाया है पॉजिटिव है, वन वैसे ही पॉजिटिव होता है, वैसे ही ले लिया हमने वन को। तो आर की मीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा ना, ये कहती है ना कि भी एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर है तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसने क्या ले लिया, एक्स की जगह तो वाई माइनस एक्स ले लिया, वाई की जगह वन ले लिया, दो पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक है, सच दैट एन इंटू वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन आ जाएगा, ठीक है। तो एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन वन, यहाँ से क्या आ गया, एन वाई इज ग्रेटर देन एन एक्स प्लस वन, इसको क्या रीराइट कर सकते हो, एन एक्स प्लस वन विच इज लेस देन एन वाई। तो एन एक्स प्लस वन इज ए रियल नंबर, ठीक बात है। तो क्या मिल गया, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर भी कोई भी रियल नंबर है, अब इससे जस्ट पिछली थ्योरम पढ़ी थी हमने भी, कोई भी रियल नंबर है उसके कोरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट एम एंड एम प्लस वन, वो कहाँ लाई कर जाएगा, उन दोनों के बीच में लाई कर जाएगा, एम से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा और एम प्लस वन से स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा। तो ये जो वन वाली इक्वेशन है, एन एक्स प्लस वन किससे लेस है, एन वाई से, ठीक है, एन एक्स प्लस वन लेस देन है किससे, एन वाई से। और इसमें यूज कर दो, ये कैसे यूज करोगे, एन एक्स प्लस वन ये वाली फर्स्ट वाली इन दोनों को कंबाइन कर लिया हमने, इधर तो एन एक्स प्लस वन लेस देन एम प्लस वन से, इधर एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एन वाई से है, तो एज ये वाली उठाओ ऊपर वाली, एन एक्स प्लस वन लेस देन एम प्लस वन है, ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा, भी जो आपका एन एक्स है वो एम से लेस है, ये आएगा ना इधर से, तो ऊपर कह रहे हो कि एन एक्स लेस देन एम ये वाला, और एम किससे लेस देन है, एन एक्स प्लस वन से है, और एन एक्स प्लस वन किससे लेस है, एन वाई से, इनको कंबाइन कर दिया हमने, क्या उठाया मैंने कि जो आपकी ये वाली इनइक्वालिटी थी एन एक्स प्लस वन विच इज लेस देन एम प्लस वन, यहाँ से क्या आ गया, एन एक्स इज लेस देन एम आ गया, एन एक्स लेस देन एम है और एम किससे लेस है, एन एक्स प्लस वन से है, और एन एक्स प्लस वन किससे लेस है, एन वाई से, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो इसको इकट्ठा कर दो हम, एन एक्स से लेस देन एम और लेस देन किससे है, एन वाई से है, तो m से क्या करो डिवाइड, n से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन m बाई n विच इज लेस देन y, m बाई n को r1 नाम दे दिया, क्या ये एक रैशनल नंबर है, दो रियल नंबर के बीच में क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया। दस बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर लाई ए रैशनल नंबर से r1 टाइप का, ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर हम ये दो रियल नंबर उठा लें x और r1, x एंड r1, ये स्टेप बार बार करें हम ऐसा, x एंड r1 आर टू रियल नंबर, भी दो रियल नंबर उठाओगे प्रीवियस केस से क्या आ जाएगा, रिपीटिंग द अबो आर्गूमेंट, भी पिछला केस ऐसे रिपीट करो कि जैसे दो रियल नंबर उठाए थे उनके बीच में आर वन आ गया, अभी हमने एक्स और आर वन उठा लिया, दो रियल नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर आर टू मिल जाएगा जो इन दोनों के बीच में होगा, किसके, एक्स और आर वन के बीच में होगा। तो के देखो एक्स और वाई के बीच में दो रैशनल मिल गए, सिमिलरली इसी स्टेप को फिर रिपीट करेंगे, भी एक्स और आर टू दो रियल नंबर उठा लिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, एक आर थ्री मिल जाएगा जो एक्स और आर टू के बीच में लाई करेगा, ऐसे करते हुए कंटिन्यूइंग दिस लाइक देन वी कैन सी दैट कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर आएंगे विच इज लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी की क्रोलरी लगा लो, बिटवीन टू रियल नंबर देर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर, भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर लाई करेंगे, अब दो रियल नंबर उठा लिए हमने, x इज लेस देन y, हमने क्या किया कि रूट टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, ठीक है, अब रूट टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये देखो कि ये कैसा नंबर है, रियल नंबर ही रहेगा ना, फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको, इरेशनल इरेशनल भी तो रियल नंबर होते हैं, तो x माइनस रूट टू वाई माइनस रूट टू आर टू रियल नंबर, ठीक है, दो रियल नंबर हैं, प्रीवियस थ्योरम क्या कहती है, दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल लाई करता आर वन, पिछली थ्योरम यही कहती है, दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल लाई करेगा आर वन, मान लिया ये करेगा, तो रूट टू को ऐड कर दो, एक्स इज लेस देन आर वन प्लस रूट टू लेस देन वाई, अब आर वन कैसा था रैशनल, रैशनल में इरेशनल ऐड कर दिया तो इरेशनल हो गया आपके पास में, तो एक्स एंड वाई दो रियल नंबर है उनके बीच में एक इरेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग दिस स्टेप अगेन क्या लोगे, एक्स और r1 वन प्लस रूट टू आर दो रियल नंबर, ठीक है, प्रिसीडिंग द सेम स्टेप r2 मिलेगा आपको, ठीक है,
obtain another irrational number between them. Continuing like this, we can see that between two real number there are infinitely many irrational number. ये same procedure repeat करेंगे हम. एक बार x r1 plus root 2 को उठा लेंगे तो हमें r2 मिल जाएगा. ठीक है, फिर अगला rational क्या मिलेगा, irrational क्या मिलेगा, r2 plus root 2 मिलेगा. ठीक है, फिर क्या उठा लोगे number, x r3 plus root 2 उठा लोगे, फिर उनके बीच में मिल जाएगा. ये process repeat करते जाएंगे तो x और y के बीच में कितने irrational number आ जाएंगे, infinitely many irrational number आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके एग्जांपल आ चुके हैं. क्या कहता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए सेट व्हिच इज बाउंडेड. अब हमें पता है कि बाउंडेड सेट कैसा होता है, कोई क्लोज इंटरवल उठा लो वो भी बाउंडेड हो जाएगा. सिंपल सेट ले लिया इसने, 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by n, बाउंडेड हो गया ये. क्यों बाउंडेड हो गया, 1 अपर बाउंड हो गया, 0 इसका अप टू इनफाइनाइट स्टेप के ऊपर क्या आ जाएगा, इसका लोअर बाउंड आएगा. ठीक है, तो और ये कह दो अभी कोई भी फाइनाइट सेट उठा लोगे वो भी क्या होएगा, बाउंडेड होएगा. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो, बिलो बताना अबो नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट ले लो, बिलो है वन लोअर बाउंड हो जाएगा. ठीक, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. अगला क्या कहता कि बाउंडेड अबो बट नॉट बिलो, अबो इसी का नेगेटिव कर दो, माइनस वन अबो आ जाएगा. ठीक है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका. इंटीजर ले लो जिस्ट ऐसा सेट, ना इधर बाउंडेड अबो नॉर बिलो, इंटीजर का सेट है जिसका अपर बाउंड भी नहीं है और लोअर बाउंड भी नहीं. ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ़ ऐसी जब नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट ऑफ आर देन प्रूव दैट इनफीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम, भी किसी सेट का इनफीमम हमेशा उसके सुप्रीमम से छोटा रहेगा. तो डेफिनेशन क्या कहती है इनफीमम की, भी किसी सेट का इनफीमम सेट के सारे एलिमेंट से क्या होता है, छोटा होगा. ठीक है, अब और सुप्रीमम क्या होता है, सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा. इन दोनों को कंबाइन कर दो, भी इनफीमम ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स है और एक्स से लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस है. इन दोनों कंबाइन करोगे, इनफीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस, बीच से हटा दो इनफीमम ऑफ एस विच इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस. ठीक है, यहीं तक कर लेना, बाकी कल करेंगे.